कौशाम्बी में अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर सकेंगे। बता दें कि संयुक्त शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रताप ने प्राथमिक स्कूल में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर प्रोजेक्टर के जरिए स्मार्ट क्लास का डेमो प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिक स्कूल में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रताप और खंड शिक्षा अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और पूरे स्कूल का भ्रमण कर जायजा लिया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए। वहीं स्कूल की साज सज्जा देखकर मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रताप ने स्कूल की सराहना की। मैंने अपने इस विद्यालय में LCD टीवी लगा रही हूँ, जिससे वो स्मार्ट क्लास चलेगा और इसके तहत बच्चे YouTube के माध्यम से बहुत सारे लिंक्स आते हैं हमारी प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे यहाँ जो बच्चे इस समय COVID-19 की वजह से नहीं आ पा रहे, तो हम कुछ दूरी में बच्चों को बैठा के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा के यूट्यूब में जितने भी सेशंस आ रहे हैं वो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं और वो इस उन सारी जो चीज़ें होती हैं पढ़ने के अध्ययन सामग्री होती है उससे वंचित हो रहे हैं। उसी दिशा में मैंने ये स्मार्ट क्लास का यहाँ पे आज उद्घाटन का आयोजन किया हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़।